हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम टाटा पावर की वेबसाइट पे जाएंगे और वहां देखेंगे कि इन्होंने अपने पोर्टल पे क्या क्या ऑनलाइन सुविधाएं दे रखी हैं और हम घर बैठे क्या क्या ऑनलाइन सुविधाएं का फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पे कुछ चीज़ें मैंने यहां लिखी हुई, आप देख सकते हैं कि हम इनकी वेबसाइट पे जाने वाले हैं और वहां पे हम नए कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, बिल के बारे में बात करेंगे, कनेक्शन रिलेटेड जो भी और दूसरी सुविधाएं हैं वहां पे जो जो इन्होंने फैसिलिटी दी हुई है उसके बारे में बात करेंगे, बिल हिस्ट्री का देखेंगे, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी हमें मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम सीधा इनकी वेबसाइट पे चलते हैं, ब्राउज़र पे जाते हैं। दोस्तों मैं शुरू से आपको बता देता हूँ, यहाँ पे गूगल पे आपको लिखना है TDPL, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अगर आप TDPL ये लिखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ये एक पेज खुल जाता है और इस पेज में आप देखिए यहाँ पे कस्टमर लॉगिन आ रहा है। दोस्तों याद रहे, आप कस्टमर लॉगिन तभी कर सकते हैं जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो वहाँ पे। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके और जो है कस्टमर केयर पे कॉल करके अपना मोबाइल नंबर पहले रजिस्टर करवा दीजिए और उसके बाद जो है आप कस्टमर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस पर क्लिक करके क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आप OTP के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं और पासवर्ड से भी। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है, पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो आप जनरेट पासवर्ड पर जा करके यहाँ पे आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, आपके मोबाइल पे एक पासवर्ड आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करवा सकते हैं। ये एक नंबर ये है 19124, इसी पे कॉल करके सारा काम हो जाता है। अगर ये नंबर नहीं लगता है तो फिर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे CA नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है और कैप्चा डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। देखिए OTP आ जाएगा मेरे फोन पे। OTP आने के बाद हम जो है, तो दोस्तों यहाँ पे OTP आ चुका है और मैं OTP डाल देता हूँ और सबमिट कर देते हैं। देखिए ये वेबसाइट थोड़ी सी स्लो होती है तो कई बार लॉगिन करने में थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है क्योंकि ये वेबसाइट जो है थोड़ा सा स्लो हमेशा रहता है। देखिए ये लॉगिन हो चुका है। दोस्तों अभी आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी सर्विसेज इन्होंने दे रखी हैं ऑनलाइन, जो कि आप घर बैठे इसका फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपके कनेक्शन की डिटेल दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पूरे कनेक्शन की डिटेल होती है और जो लास्ट बिल होता है उसकी डिटेल भी यहाँ पे होती है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर चेंज दिख रहा है, ठीक है। आपको नेम में कोई चेंज कराना है इस पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए और आपको आगे फॉर्म भरने को मिल जाएगा। लोडिंग में कोई चेंज कराना है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। कैटेगरी में कोई चेंज कराना है तो उसको भी आप टिक करके कंटिन्यू करके आगे का फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड कंप्लेंट, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई कंप्लेंट करनी है तो क्लिक हियर करके वो कंप्लेंट भी डाल सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अलर्ट एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन दे रखा है, मतलब कि आपकी ईमेल आईडी पे और जो फ़ोन पे और जो पेपर बिल आता है ये एक तरह से एक अलर्ट होता है जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर आप चाहते हैं कि फ़ोन पे बिल ना आए तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो ऑन कर सकते हैं, आ रहा है तो आप चाहे तो बंद कर सकते हैं। ठीक इसी तरह ईमेल पे और पेपर बिल की सर्विस भी, जैसे कि मैंने यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रखा है पहले से, तो मेरा जो बिल है वो मेल पे आता है, फोन पे आता है लेकिन हार्ड कॉपी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऑन ऑफ करके यहाँ पे सबमिट अलर्ट करेंगे तो वो सेव हो जाता है। जब आप व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये देखिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर आपने लॉगिन किया हुआ अपना पेज तो आप अपना मेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं जब चाहें तब। यहाँ पे आपकी पूरी प्रोफाइल है, पूरा एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। वापस हम अपने माई अकाउंट में आ चुके हैं और अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे कि हम इसके आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए कितने सारे फॉर्म मिलते हैं। देखिए अटेंड ऑनलाइन ईच हियरिंग एट्रीब्यूट चेंज लोड नेम कैटेगरी, ये जो नेम वगैरह चेंज करने के लिए आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपका नेम अगर चेंज करना है, मीटर का जो ओनरशिप चेंज करनी है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। उसके अलावा देखिए और क्या क्या है, एक्सटेंशन डिसकनेक्शन कंप्लेन अप्लाई फॉर कंपनसेशन सरेंडर फॉर कनेक्शन, अगर आपको कनेक्शन को सरेंडर करना है तो उसका फॉर्म भी भर सकते हैं। अपडेट पैन कार्ड इंडस्ट्रियल कनेक्शन डिटेल, ये है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपको मिलती है, देख रहे हैं इतनी सारी सुविधाएं हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाती है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अपने अकाउंट में चलते हैं।
देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रोफाइल डिटेल दिखा रहा है, आपका नाम वगैरह, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जाएगा व्यू बिल डिटेल, व्यू एनुअल लोड रिविजन डिटेल। तो हमें यहाँ बिल डिटेल देखना है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। व्यू बिल डिटेल पे क्लिक करेंगे जब आप, यहाँ पे ये देखिए इतने सारे बिल दिखा रहा है, ठीक है, करीब 6 महीने का बिल दिखा रहा है। उसके अलावा आप चाहें तो यहाँ 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का, 12 महीने का या फिर 24 महीने का यहाँ बिल देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हम जो है बिल कई बार हमें ढूंढना होता है कि किस महीने का बिल हमारा क्या था, या हमने कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ इस पोर्टल से आप पिछले 2 साल के बिल की डिटेल ये देखिए, पूरे 2 साल के बिल की डिटेल आप निकाल सकते हैं, कब पेड किया है, कैसे पेड किया है, या पेमेंट रह रही है, सब डिटेल मिल जाएगी। इवन आप इन सारे बिलों को डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे वो 24 महीने का हो, 9 महीने का, 3 महीने का, 12 महीने का, आप इन सारे बिल को एक बार में यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और बिल अगर पेंडिंग है तो वो पेमेंट भी कर सकते हैं।